पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्लैब में पाइपिंग कैसे की जाती है। ये उसी की एक फ़ोटो है जिसके अंदर आप देख सकते हैं। ये एक बेडरूम है, इसके सेंटर में हमने फ़ैन बॉक्स लगाया है और दीवार के चारों बीम के अंदर एक बैंड लगाकर पाइप के ड्रॉप उतारे हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं ये जो ड्रॉप है सेंटरिंग खुलने के बाद नीचे से ये कैसे दिखते हैं और ये फ़ैन बॉक्स सेंटरिंग खुल जाने के बाद कैसे नज़र आते हैं। नीचे का काम प्लास्टर से पहले झरी मारकर पाइपिंग कैसे की जाती है आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। ये देखिए सेंटरिंग खुलने के बाद हमको नीचे से ये ड्रॉप ये पाइप आए हैं। देखिए ये बीम के नीचे से ये पाइप हमको नज़र आ रहा है। हमने जहाँ जहाँ पर ड्रॉप उतारे हैं उन सब जगहों पर ऐसे पाइप नज़र आते हैं। हमको इसको साफ़ करना है, इसकी चिकट पट्टी निकालना है। आपको पिछले वीडियो में स्लैब में पाइपिंग कैसे की जाती है ये बताया दोस्तों। ये देखिए अब ये स्लैब के पाइपिंग के बाद जब सेंटरिंग खुल जाती है प्लास्टर से पहले का जो काम है वो हमको करना है दोस्तों। ये देखिए हमने यहाँ पर पाइपिंग की थी, आप देख सकते हैं जब सेंटरिंग खुल जाती है तो ये पाइप हमको नीचे से नज़र आते हैं जहाँ जहाँ पर हमने पाइप डाले हैं। ये फ़ैन बॉक्स दोस्तों ये सीलिंग में हमने जो छोड़ा था इसके नीचे पुट्ठा लगाया था, हमने इसके पुट्ठे को निकाला तो ये हमको नीचे से ऐसे नज़र आता है। ये हमारा फ़ैन बॉक्स है, ये सेंटरिंग खुलने के बाद ये यहाँ पर हमने ये पुट्ठा नज़र आता है, ये पुट्ठे को हमको निकालना है। इसके नीचे फ़ैन बॉक्स है दोस्तों। ये सेंटरिंग खुल जाने के बाद का काम है, प्लास्टर से पहले इसको किया जाता है। ये देखिए सीलिंग में ये फ़ैन बॉक्स है और इसके बाद सीलिंग में एक जंक्शन बॉक्स है जो एमसीबी से इस रूम को कनेक्ट करता है। सारे रूम एमसीबी से पाइप कनेक्ट होना चाहिए क्योंकि हमको इसके अंदर वायरिंग सर्किट हर रूम में एमसीबी के थ्रू से लाना होता है। ये हमको आसान पड़ता है, सीलिंग में इसका काम करना चाहिए। इसके बाद जहाँ पर हमको बोर्ड लगाना है पॉइंट बनाना है वहाँ पर हम वो ड्रॉप को नीचे उतार कर उसको झरी मारेंगे। इस तरीके से दीवार को कटिंग किया जाता है। इसके बाद इसको फोड़कर हम इसके अंदर पाइपिंग और मेटल बॉक्स बोर्ड फिट करेंगे। Thank you.
देखिए ये एक बेडरूम है, हमने इसमें स्लैब में पाइप डाले थे, आपको हमने पिछली वीडियो में बताया। स्लैब में पाइप डालने के बाद ये जो आपको सामने डब्बी नज़र आ रही है ये पॉइंट के लिए है, यहाँ पर होल्डर बैठेगा। हमने इसको मशीन से फोड़ कर यहाँ पर डब्बी फिक्स की है। ये देखिए दोस्तों, ये फैन बॉक्स है जिसके अंदर सीलिंग फैन फिट हो जाएगा। इसी से ये डब्बी कनेक्ट है। हम आपको वायरिंग का भी थ्योरी बताएंगे अगले वीडियो में, पहले आप ये पाइपिंग को समझ लीजिए। ये देखिए ये फैन बॉक्स से जो दूसरा पाइप छोड़े थे हमने, ये बीम से नीचे फोड़ कर यहाँ पर थ्री वे डब्बी हमने बिठा कर थ्री वे जंक्शन बॉक्स बैंड के थ्रो से हमने यहाँ पर सिक्स मॉडल का बोर्ड कंप्यूटर के लिए फिट किया है। यहाँ पर बल्ब के लिए एक होल्डर बैठेगा और इधर एक होल्डर बैठेगा, यहाँ पर सीलिंग फैन बैठेगा, ये कंप्यूटर के लिए सिक्स मॉडल का बोर्ड है और ये मेन बोर्ड हमारा यहाँ पर बैठेगा। ये इस तरीके से यहाँ पर फैन से कनेक्टेड है। ये हमारा एक बेडरूम है, ये हमने 12 मॉडल का बोर्ड यहाँ पर फिक्स किया है। ये बेडरूम हमारा MCB बॉक्स से कनेक्ट है। ये इस दीवार पर हमने डब्बी नहीं लगाई क्योंकि ये डायरेक्ट MCB बॉक्स में पाइप गया है यहाँ से। ये हमारा किचन रूम है, यहाँ पर थ्री वे डब्बी डाल के हमने इसको नीचे उतारा है। ये फ्रिज के लिए थ्री मॉडल का बोर्ड फिक्स किया है, यह भी फैन बॉक्स से कनेक्ट है। ये टू वे जंक्शन बॉक्स डालकर हमने 12 मॉडल का बोर्ड फिट किया है और इधर ये किचन के कट्टे के ऊपर पावर पॉइंट के लिए 3 मॉडल बोर्ड फिक्स किया है। ये देखिए इस तरह से ये पॉइंट के लिए एक डब्बी है जंक्शन बॉक्स और दूसरे वाला टू वे जंक्शन एग्जॉस्ट फैन के लिए है। ये टू मॉडल मेटल बॉक्स जो है वाटर प्योरीफायर के लिए एक्वा गार्ड ये लगाना है इसलिए दिया है। ये जो सीलिंग में जंक्शन बॉक्स है ग्रीन कलर की चिकट पट्टी, ये थ्री वे है, इसका एक मुंह इधर नीचे की तरफ, दूसरा मुंह फैन बॉक्स की तरफ और तीसरा सीधा MCB बॉक्स में जा रहा है रूम के सर्किट के लिए। ये तो हो गया एक किचन, ये दूसरा बेडरूम और ये तीसरे वाला बेडरूम है, इसमें भी हमने कंप्यूटर के लिए एक बोर्ड, और ये 12 मॉडल मेन बोर्ड,
सीलिंग फैन के लिए एक पॉइंट। ये बाथरूम के लिए 4 मॉडल बोर्ड। ये स्लैब में से जो हमने पाइप डाला था, ये हमारा बाथरूम है। ये हॉल, टीवी के लिए 12 मॉडल बोर्ड है। मेन बोर्ड 12 मॉडल। ये 2 पाइप में से 1 पाइप पोर्च में बल्ब कनेक्शन के लिए जा रहा है। देखिए ये 2 BHK का प्लान था, जिसकी हमने स्लैब में पाइपिंग भी आपको बताई और जरी मारकर प्लास्टर से पहले गिलावे में जो पाइप डाले जाते हैं ये भी हमने बताया। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि वायरिंग कैसे की जाती है। यहाँ पे MCB बॉक्स फिक्स होगा। यहाँ पे बोर्ड टावर के लिए 2-way वायरिंग होंगी इसमें। यहाँ पर हमारा बोर्ड का स्टार्ट बैठेगा। ये सब पहले ही करके रखना होता है दोस्तों, वायरिंग से पहले, प्लास्टर से पहले ये पाइपिंग करना बहुत ज़रूरी है अंडरग्राउंड फिटिंग के लिए। ठीक है, बताओ टाइम।